सो रेस्ट करने के बाद अभी फिर से निकल चुका हूँ मैं काम पे। सो आज का काम भी वैसे ही है, तो आपको दिखाते हैं, सीधा मिलते हैं खेतों में। सो मैं हो गया थोड़ा सा लेट, तो गालियाँ पड़ेंगी, मिलते हैं खेतों में। ये लग चुका है अड्डा आज का हमारा। सो ये बासमती वाले हमने अलग रख दिए हैं, मेरे को तो पता नहीं है पर मोम ने रखाए हैं। सो आ जाए हैं हम सेकंड लोकेशन पे, ये लोकेशन और साथ में पानी। सो अभी दिखाते हैं हम काम कि इसको कैसे उठाया जाता है, रेट्टे को या फिर बंडल बोल सकते हो आप। तो जिम का पूरा वर्कआउट जो है वो यहाँ पे लगता है, तो शोल्डर का जो है वो वर्कआउट ज़्यादा रहता है इसमें और बैक का। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसमें जिम का कौन सा जो है वो एंगल लगता है, जो मैं प्लेट घुमाता था शोल्डर के पीछे से बैक के पीछे से। तो कुछ इस तरह से इसको उठाया जाता है रेट्टे को, अगर आप अकेले हों थोड़ा सा हल्का और धीरे धीरे चलना पड़ता है, चावल के दाने काफ़ी गिरते हैं। धीरे धीरे करके जो काम है वो हो चुका है ख़त्म, ये अभी कुछ थोड़ा सा काम और रहता है, मतलब मान के चलिए आप चार पट्टियाँ और, पट्टियाँ या फिर खेत बोल सकते हैं। और मोम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, और आज का जो मौसम है वो कुछ इस तरह से क्लाउडी सा बना हुआ है। तो सूरज जो है वो ढल रहा है धीरे धीरे, और ठंड भी हल्की हल्की होने लगी है अभी, तो जल्दी से करते हैं काम को ख़त्म। तो अभी वाइड एंगल लिया जा रहा है, सो वेट जो है वो मैंने हल्का उठाया, और पीछे मौसम देखिए आप, क्या ही व्यू बना हुआ है। सो काम जो है वो हो चुका है धीरे धीरे ख़त्म, कल से फिर आएंगे, कल फिर लगना है। कल जो है वो काम थोड़ा चेंज है, वो भी बताऊंगा क्या काम है आगे। सो अभी दिखाता हूँ कि रात को जो पापा रस्सियाँ बना रहे थे ना, तो उनका जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है। सो इन बंडल को बांधने के लिए होता है कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको, तो कुछ इस तरह से इन बंडलों को बांधा जाता है इन रस्सियों से, जो पापा रात को बना रहे थे। सो फिलहाल करते हैं जल्दी से काम को ख़त्म। सो फाइनली काम जो है वो हो चुका है, अभी यहाँ का खेतों का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी गाड़ी में करेंगे अपलोड, फिर जाएंगे घर, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, बस कल थोड़ा प्रोसीजर चेंज है। कल हम धान को निकालेंगे अपनी मशीन में, वो भी दिखाएंगे। फिलहाल मौसम देखिए पीछे क्लाउडी हो चुका है, सो मिलते हैं सीधा घर में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वेदर जो एकदम चेंज हो गया है। आप इस साइड देखिए बिल्कुल साफ, और कैमरा बस जस्ट घुमाना है, और ये देखिए मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब, और ये बिजली। तो मौसम का हिमाचल में पता नहीं लगता है कब ख़राब हो जाए एकदम से। और ये हमारी गाड़ी भी आ चुकी है अभी। हेलो गाइस, तो यहाँ से धान का काम चल रहा है, मैं आ गई अपने नानी के घर, तो देख सकते हैं। और ये आया मेरा थोड़ा भाई, ये भांजा भी आ चुका है, और ये हिमानी जो कि मुझसे ज्यादा अच्छा बोल लेती है। यस सर, आप आ रहे हो? ओह माय गॉड, मुझे तो कब का पता था। सो गाड़ी जो है अपलोड हो चुकी है, अभी चलते हैं घर। बज रहे हैं रात के साथ, और काम जो है कंटिन्यू चला हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे घर तक ले आए हैं अभी गाड़ी से लेके। तो मौसम भी अभी साफ हो चुका है, आपको सामने वो लाइटें दिख रही होंगी, वो माँ हिमानी चमंडा की है। फिलहाल वहाँ भी जाएंगे, तो अभी काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको डिनर में। सो रात को आए हैं हम कट्टू देखने, ये मेरा भांजा जो कि थोड़ा सा ये डर रहा है कट्टू से, ये बोल रहा है कि मुझे मिलना है, तो अभी बोल रहा मैं नहीं डर रहा। तो ये देखिए किसू कर दे मनु, किसू नहीं मारता ये। सो अभी चलते हैं घर। सो डिनर करने के बाद भी पी रहा हूँ मैं दूध, फिर सोते हैं। अभी चलते हैं सोने, क्योंकि सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये चांद, मौसम जो है वो एकदम साफ़ हो चुका है। थोड़ा बहुत बादल बने थे पर, लेकिन बारिश नहीं हुई है, बस ठंडी हवा चली थी। सो हो रहा चांद, तो सबको गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, बाय।